हेलो एवरीवन। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? कि जो आपका सेंट्रल डोगमा था, ठीक है, सेंट्रल डोगमा से डीएनए से आपका क्या फॉर्म्ड हो रहा था? डीएनए से आपका अगर एमआरएनए फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, ये फॉर्म्ड हुआ था। द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इंटू एमआरएनए इज कौन सा प्रोसेस? फिर वो आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें किसका कन्वर्जन हो रहा है? डीएनए का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? एमआरएनए में, ठीक है। देन फर्दर आपका एमआरएनए फॉर्म्ड हो गया, अब एमआरएनए का कन्वर्जन होगा किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इंटू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था, कैसे प्रोसेस होता है, प्रोकैरियोट में भी पढ़ लिया था, यूकैरियोटिक में भी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है किसका? एमआरएनए का किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का ट्रांसलेशन। अब आपका प्रोटीन कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है, प्रोटीन कैसे फॉर्म्ड होगा, इसमें देखो जो आपका साइट है, ठीक है, जो हमने बात की थी कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो वाला प्रोसेस तो आपका कहां पर कंप्लीट होता है? यहां न्यूक्लियस में। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म्ड होता है कहां पर? न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका कहां पर होता है? इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जो आपका एमआरएनए है न्यूक्लियस में है उसको अभी ट्रांसफर होना पड़ेगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। देन उसके बाद वहां पर उसका कन्वर्जन होगा किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो साइट है मेनली बेसिक जो प्रोटीन फॉर्म्ड करेगी वो आपका सेल ऑर्गेनेल होता है ईआर, ठीक है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका यहां पर मैंने क्या लगा दिए इस पर? राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम्स क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईआर है विद राइबोसोम। ईआर किसके साथ है? राइबोसोम्स के साथ। तो ये कौन सा ईआर हुआ? ये आपका हुआ आरईआर। आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला? क्योंकि इसकी मैम्ब्रेन पर क्या है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। देन उसके बाद जो आपका राइबोसोम्स है उसकी टू सब यूनिट्स होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। जो आपकी राइबोसोम होती है उसके टू सब यूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, दो होती है, एक लार्जर होती है एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है। ये वाली आपकी लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, ठीक है, और ये वाली आपकी है स्मॉलर सब यूनिट। और ये क्या है सेंटर में आपका? ये है आपका एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए जो कि काम कब फॉर कैसे फॉर्म हुआ है? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये आपका एमआरएनए है, इसमें आपके कोड्स होते हैं, जैसे कोड है ए यू जी, ठीक है, इस ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी होती है आपकी ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है, ट्रिपलेट है, ठीक है।
और ये बेसिकली जो आपका एयूजी है इन्हें हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन, क्योंकि ये क्या करती है, इनिशिएट करती है प्रोसेस को. ठीक है, किसको इनिशिएट करती है, प्रोसेस को. अब देखो एमआरएनए हमारा फॉर्मड हो गया, और ये एमआरएनए जो कि कोड कर रहे हैं एयूजी को, जो कि स्टार्ट कोडोन है. ठीक है, जिनको हम बोल रहे स्टार्ट कोडोन, क्योंकि यही तो अब आगे प्रोसेस करेगा ट्रांसलेशन का. ठीक है, आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, इनिशिएट करेगा, इसलिए हम इनको कहते हैं स्टार्ट कोडोन. ठीक है, स्टार्ट कोडोन. और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सेटअप. ठीक है, अब जो आपका हमें पता है कि थ्री नाइट्रोजीनस बेस किसके बराबर होता है, किसको कोड करता है, वन अमीनो एसिड. ठीक है, वन अमीनो एसिड जो आपके थ्री नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो कोड करते हैं, किसको, वन अमीनो एसिड को कोड करते हैं. ठीक है, अब जो आपका ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा वो होता है आपका ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए. ठीक है, टीआरएनए. तो हमें पता है कि हमारे थ्री नाइट्रोजीनस बेस कंटेन करता है, कोड करता है वन अमीनो एसिड्स को. ठीक है, तो ये जो आपके अमीनो एसिड्स है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजीनस बेस है AUG. ठीक है, इसको जो टीआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए क्या करेगा, इनका एंटीकोडोन फॉर्म करेगा विद अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसके क्या बनाएगा, एंटीकोडोन. एंटीकोडोन मींस इसके अपोजिट, इसके साथ क्या बाइंड होता है डीएनए में, ए के साथ क्या बाइंड होता है, यू. ठीक है, ए के साथ यू होता है, यू के साथ आपका जी. ठीक है, और जी के साथ ए, तो ये आपके एंटीकोडोन बनाता है विद अमीनो एसिड. ठीक है, तो आपके जैसे ही एंटीकोडोन फॉर्म होते रहे, आगे प्रोसेस में चलते रहे, बनते रहे एंटीकोडोन, उसके साथ आपके अमीनो एसिड भी बनते रहे, थ्री नाइट्रोजन बेस के साथ वन अमीनो एसिड फॉर्म होते रहे. और जो आपके अमीनो एसिड फॉर्म होते रहे, ठीक है, अब हमें पता है एक अमीनो एसिड बाइंड करेगा एक अमीनो एसिड के साथ, ये जो बॉन्ड होता है इसके बीच में, ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, अमीनो एसिड को जो बॉन्ड जॉइन करता है वो होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहां पर तो आपकी चेन बनी है किसकी, अमीनो एसिड्स की. ठीक है, ऐसे चेन फॉर्म में बना है आपके अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो काफी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड हो गए इनके बीच में, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, काफी ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो गए काफी ज्यादा अमीनो एसिड्स के साथ, और इस पूरी चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन. ठीक है, इस पूरी चेन को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन. तो ऐसे आपके प्रोटीन बनते रहेंगे विद अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड के साथ. ठीक है, तो आपका एमआरएनए से क्या फॉर्म हो गया, प्रोटीन. तो यही तो हमें इस ट्रांसलेशन में पढ़ना था कि हमें एमआरएनए से क्या बनाना था, प्रोटीन बनाना था. बेसिकली जो आपका ट्रांसलेशन होता है वो टू स्टेप में कंप्लीट होता है. ठीक है, टू स्टेप होते हैं इसमें. जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. फर्स्ट स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन
मीन्स एडिशन सॉरी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मीन्स यहाँ पर हमने सबसे पहले किसको लिया, किसको ऐड किया, टीआरएनए को ही लिया, ठीक है। यहाँ पर टीआरएनए को ही लिया, उसी ने तो क्या आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया। देन उसके बाद सेकंड जो स्टेप हमारा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या हुआ, अमीनो एसिड्स बनते रहे और अमीनो एसिड्स बनने के साथ साथ कैसे लिंक हुए, वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक हुए। तो दो स्टेप आपके इंक्लूड होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में, जिससे कि आपका एमआरएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक ट्रांसलेशन, ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जेनेटिक कोड, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्यों, अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो क्या होगा आपका, द सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बाई विच द इंफॉर्मेशन, बाई विच द इंफॉर्मेशन इन कोडेड इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसलेटेड इंटू प्रोटीन इन लिविंग सेल, ठीक है। तो ये होता है आपका एक सेट होता है रूल्स का, जिससे क्या होता है इंफॉर्मेशन कोड की जाती है विद जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, प्रोटीन में। और ये पूरा प्रोसेस किसमें होता है आपका, लिविंग सेल्स में, ठीक है, लिविंग सेल्स में आपका होता है ये। देन बेसिक इसके जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। साइलेंट फीचर्स क्या होंगे इसके, ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। इट मीन्स कि जो आपका एक कोडोन है वो कंसिस्ट करता है थ्री न्यूक्लियोटाइड का। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, मीन्स कि जब आपका AUG होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कोडोन, ठीक है। तो एक कोडोन मीन्स ये आपका पूरा क्या है, कोडोन है, और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 AUG, जैसे ये तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और ये तीनों मिलके एक कोडोन फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। सेकंड है वन कोडोन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो आपका एक कोडोन है मींस ये वाला AUG, एक कोडोन है वो कोड करता है वन अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि आपका तीन मीन्स थ्री न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट होता है, वो एक आपका कोडोन होता है जो कि कोड करता है वन अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाई वन और मोर देन वन कोडोन, कि जो आपका अमीनो एसिड है वो कोड्स रहता है किससे, एक या उससे ज्यादा कोडोन से, ठीक है। उसके बाद आपके स्टॉप कोडोन आते हैं, मींस AGA
एंड यू ए जी, इनको हम बोलते हैं आपके स्टॉप कोडोन। ये आपके क्या है? स्टॉप कोडोन। काफी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद एक होता है स्टार्ट कोडोन, ठीक है, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन आपका एक ही होता है, ए यू जी, ठीक है। स्टार्ट कोडोन ओनली सिंगल होता है, जो कि होता है ए यू जी। और आपके जो स्टॉप कोडोन होता है, ये तो क्या करता है, स्टार्ट कोडोन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। और जो आपके स्टॉप कोडोन है, जैसे यू जी ए यू ए एंड यू ए जी, ये आपके प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, जो कि किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका टॉपिक जेनेटिक कोड, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक हमारा है रेगुलेशन ऑन जीन एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट किया था ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स जीन कैसे एक्सप्रेस करता है प्रोसेस में, ठीक है। तो एक होता है आपका रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, क्या रेगुलेटरी जीन। तो जो आपका रेगुलेटरी जीन होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें काफी सारे जीन होते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए, मतलब एनी टाइम वो एक्टिव रहे। सारे जीन एक टाइम पे एक्टिव तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं कि जब उसका फंक्शन होता है तभी वो एक्टिव होते हैं, बाकी अदर टाइम वो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो उन्हीं जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। जब उनकी नीड होती है तभी वो अपने आप को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो उन जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका लैक्टोपेरोन। लैक्टोपेरोन कंसिस्ट करता है आपका एक तो आपका रेगुलेटरी जीन कंटेन करता है, ठीक है, रेगुलेटरी जीन का कंटेन करता है, और सेकंड आपका कंटेन करता है थ्री स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, थ्री स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये आपका लैक्टोपेरोन है, जो कि कंसिस्ट करता है वन रेगुलेटरी और थ्री स्ट्रक्चरल जीन को। जो आपका रेगुलेटरी जीन होता है बेसिकली वो होता है आपका आई जीन, और जो आपके थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसमें आपके आते हैं लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये, और एक आपका आई होता है जो कि रेगुलेटरी जीन होता है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है? तो जो आपका आई है मींस रेगुलेटरी जीन जो है उसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेसर ऑफ ऑपरोन, रिप्रेसर ऑफ ऑपरोन, ठीक है। ये आपका फंक्शन है रेगुलेटरी जीन का, ठीक है। अब रिप्रेसर क्या होता है आपका? ये होता है आपका इनहिबिट्स द एंजाइम सिंथेसिस। ये क्या करता है? एंजाइम सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लैक्ट जेल क्या करता है? कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइटेज, कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइटेज, ठीक है। ये आपका लैक्ट जेल का फंक्शन होता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइटेज क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है आपका रेस्पॉन्सिबल
फॉर द हाइड्रोलाइसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स दैट इज लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट दैट इज ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो जो आपका लैक जड़ है जो कि कोड करता है किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, एंड देन जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस, किसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए, डाइसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, आपका लैक्टोज होता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मोनोमेरिक यूनिट में, दैट इज ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था आपका लैक जड़ का। उसके बाद आता है आपका वाई क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएज। अब परमिएज क्या होता है, ये होता है आपका इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लीविंग सेल। किसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, ये लीविंग सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लैक क्या, ये क्या होता है, इनकॉर्ड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये फंक्शन आपके इसके रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन का। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स कैसे होता है लैक ऑफ प्रोन में, वो देखते हैं। मीन्स मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये डीएनए है आपका, ये आपका प्रमोटर है, ये रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है, जेड वाई एंड ए, ठीक है, ये आपके जीन है स्ट्रक्चरल जीन, ये आपका रेगुलेटरी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये आपका हमें पता है रेगुलेटरी जीन है, ये क्या करेगा, यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए, ठीक है। तो ये आपका एमआरएनए, देन उसके बाद क्या होगा, रिप्रेसर आएगा, ठीक है, रिप्रेसर। अब उसके बाद क्या आता है, दो केस आता है, इंड्यूसर की एब्सेंस और उसकी प्रेजेंस, ठीक है, इंड्यूसर की प्रेजेंस एंड अब्सेंस, ठीक है। तो हमने आपका बात की थी लैक किसमें, जेड में, ठीक है, लैक जेड में हमने बात की थी कि जो आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइसैकेराइड जो कि एक लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज आपका यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूसर्स होता है, इंड्यूसर मीन्स कि वो प्रमोट करता है किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस होंगे आपके, या तो इंड्यूसर प्रेजेंस है या अब्सेंस है। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं आपका अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पर अब्सेंस है इंड्यूसर के, तो आपका जो रिप्रेसर है वो फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, देन उसके बाद ये क्या होगा, बाइंड करेगा, ठीक है, ये बाइंड करेगा आपका ऑपरेटर के साथ, यहां पर ऑपरेटर के साथ क्या करेगा, वो
बाइंड करेगा एंड देन क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओप्रोन. ठीक है, यहां पर रिप्रेसर आपको बाइंड करेगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को कहां से, फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग द ओप्रोन. ठीक है, ये तो आपका अब्सेंस ऑफ क्या है, इंड्यूसर्स है. ठीक है, ये तो क्या है, इंड्यूसर्स है. देन उसके बाद अगर यहां पर क्या हो, प्रेजेंस हो, यहां पर क्या हो, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर हो, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स हो, तो क्या होगा, ये प्रोसेस तो ये चलेगा, एमआरएनए फॉर्म्ड होगा, देन रिप्रेसर होगा. यहां पर जो रिप्रेसर है वो उस केस में तो जब अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर था तब तो क्या था, एक्टिव था, बट अब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, रिप्रेसर आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक, यहां पर वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन अपना फंक्शन करेंगे. ठीक है, लेग जड अपना फंक्शन करेगा, वाई अपना और ए अपना फंक्शन करेगा. ये इनके फंक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या करेगा, बीटा रिस्पॉन्सिबल रहता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है, तो सबका अपना अपना फंक्शन है, तो वो अपना अपना फंक्शन करेंगे. ठीक है, तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एचजीपी. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1990. ठीक है, ये क्या होता है आपका ह्यूमन जीनोम, अगर हम इसको बेसिक डिफाइन करें तो ये क्या होता है, टू फाइंड आउट द कंप्लीट डीएनए sequence of human genome using genetic engineering technology and bioinformatics to isolate and clone the DNA segment For determining DNA sequence. ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम HG को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन बनेगी आपकी टू फाइंड आउट द कंप्लीट DNA sequence. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करना है, हमें कंप्लीट DNA sequence को फाइंड आउट करना है. किसमें फाइंड आउट करना है, ह्यूमन के जीनोम में. ठीक है, ह्यूमन के जीनोम में, और किसकी हेल्प से इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी की हेल्प से और बायो इन्फॉर्मेटिक की हेल्प से उसको आइसोलेट करेंगे एंड कोलोन बनाएंगे, किसके, डीएनए सेगमेंट.
जो कि डिटरमाइन करेगा किसके डीएनए सीक्वेंस को, ठीक है, ये है आपका एचजीपी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आते गोल्स, गोल्स ऑफ एचजीपी, क्या क्या गोल्स होते हैं एचजीपी के। फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ऑल द जीन इन ह्यूमन डीएनए, इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है, ये फर्स्ट गोल है आपको। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें सारे जीन को जो कि प्रेजेंट है किसमें, ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है। सेकंड है दैट इज डिटरमाइन द सीक्वेंस, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, बेस पेयर दैट मेक अप, दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, ठीक है। सेकंड जो आपका गोल है वो क्या है, डिटरमाइन करना है हमें सीक्वेंस को, किसकी सीक्वेंस को, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जिसमें प्रेजेंट है, जो कि मेक किस क्या बना रहा है, जो कि ह्यूमन डीएनए बना रहा है जिसमें कितना है, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। देन थर्ड आपका आता है स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, इन इन डाटा बेसिस, जो भी इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट हुई है उनको हमें किसमें स्टोर करना है, डाटा बेस में स्टोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट गोल दैट इज इंप्रूव टूल, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो आपका स्टोर करने के बाद क्या होगा कि जो आपका डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है टू इंप्रूव द टूल्स, ठीक है। डाटा को एनालाइज किया जाएगा कि उससे क्या हम इंप्रूव करें किसको, टूल्स को, ठीक है। देन जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको कोऑर्डिनेट किया था, किसने कोऑर्डिनेट किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटेड बाई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एंड द नेशनल, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेसिकली उसको किसने कोऑर्डिनेट किया था, वो कोऑर्डिनेट किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी क्वेश्चन पूछा गया आपका एमसीक्यू, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या आते हैं अप्रोचेस, ठीक है, जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अप्रोचेस क्या है, बेसिकली जो आपका एचजीपी है उसके 2 अप्रोच है, ठीक है, 2 अप्रोच है, अप्रोचेस ऑफ एचजीपी। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस एज, दैट दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, एक्सप्रेस सीक्वेंस दैट जो आपका फर्स्ट अप्रोच है दैट इज आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, ठीक है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है वो आरएनए की फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स, ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोच है, ठीक है। सेकेंड जो अप्रोच है दैट इज डिटरमाइन द, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ ऑल सेट्स ऑफ जीन, ऑफ ऑल सेट्स ऑफ जीनोम
contain all the that contain all the coding and non coding sequence जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंटी सीक्वेंस एनोटेशन एनोशन एस ई ठीक है। तो जो आपका सेकेंड अप्रोच है वो क्या है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल सेट्स ऑफ जीनोम। इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है सीक्वेंस को ठीक है सीक्वेंस किसकी ऑल सेट्स ऑफ जीनोम जीनोम के जितने भी सेट है उनको आइडेंटिफाई करना है दैट कंटेन जो कि कंटेन कर रहे हैं ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोशन एस ए ठीक है। तो ये आपका एच जी पी कंप्लीट होता है।